लाखों दिलों पर राज करने वाली सनी लियोन का नाम सुनते ही युवाओं को दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सनी लियोन आज के समय में बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है। सनी लियोन बॉलीवुड में करियर की शुरुआत महेश भट्ट की फिल्म जिस्म 2 से की थी। सनी ने साल 2012 में प्रोन इंडस्ट्री को छोड़कर बॉलीवुड में कदम रखा, पर उस समय सनी लियोन को कई संगठनों का विरोध का सामना करना पड़ा। इसका कारण इनका पिछला बैकग्राउंड रहा है, पर बॉलीवुड में इन्हें आमिर खान और ऋषि कपूर जैसे कलाकारों का साथ मिला। तो आज इन्हीं का संघर्ष की कहानी आज हम बताने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सनी लियोन का जन्म कनाडा में 13 मई 1981 में ओंटारियो में एक सिख पंजाबी परिवार में हुआ था। सनी लियोन का बचपन का नाम करणजीत कौर गौहर है। सनी के पिता का नाम कौर सिंह गौहर है और इनकी माता का नाम सारिधा सिंह गौहर है। सनी लियोन का एक भाई भी है जिसका नाम संदीप गौहर है। सनी लियोन का माता पिता भारतीय मूल के थे। सनी के पिता जन्म तिब्बत में हुआ था और माता का हिमाचल प्रदेश में। सनी को बचपन से ही हॉकी और आइस स्केटिंग खेलना पसंद था। जब वो 12 साल की थी तब इनका परिवार कैलिफोर्निया अमेरिका में चला गया था। सनी लियोन की शिक्षा की बात करें तो सनी लियोन के परिवार वाले सनी से बहुत प्यार करते थे। वह सोचते थे कि इनका पब्लिक स्कूल में जाना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए इन्होंने सनी लियोन का दाखिला कैथोलिक स्कूल में करवाया था। अगर इनकी करियर की बात किया जाए तो सनी लियोन प्रोन इंडस्ट्री में आने से पहले जर्मन बेकरी में काम करती थी और इसके बाद कई जगहों पर छोटी मोटी नौकरी की। सनी नर्स बनना चाहती थी, इसके लिए पेडियाट्रिक नर्सिंग का अभी कोर्स किया। जब वह कोर्स कर रही थी इसके एक क्लासमेट में एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति से मिलवाया, जिसके लिए फोटोशूट के बाद धीरे धीरे सनी लियोन ने प्रोन फिल्म कंपनी के साथ काम करने का अनुबंध कर लिया। शुरू में एक खास किस्म की फिल्म करने के बाद इन्होंने किसी मेल एक्टर के साथ काम करने के लिए भी अनुमति दे दी। सनी ने 2002 में प्रोन इंडस्ट्री में कदम रखा। आपको बता दें 2009 में सनी ने डेनियल बीवर के साथ प्रोन फिल्म की। डेनियल अमेरिका में फिल्म प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं या सनी के मैनेजर भी काम करते हैं। सनी का फिल्मों से जुड़ा सारा कामकाज यही संभालते हैं। सनी लियोन ने प्रोन इंडस्ट्री छोड़ने के बाद महेश भट्ट की फिल्म जिस्म 2 से बॉलीवुड में अपना करियर की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में सनी को बॉलीवुड में काफी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वह पूर्व प्रोन स्टार थी। इसके बाद 2014 में इन्हें एकता कपूर रागनी एमएस 2 मूवी में लीड रोल की भूमिका निभाने का मौका मिला। इसी फिल्म ने सनी को एक उभरती हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस की पहचान दिलाई। इसके बाद सनी ने कई हिंदी फिल्म की, जैसे कि एक पहेली लीला, कुछ कुछ लोचा है, सिंह इज ब्लिंग, रागनी एमएस 2 में काम किया। इनकी शादी की बात करें तो सनी लियोन और डेनियल बेवर दोनों एक दूसरे को 9 साल तक डेट करते रहे। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। सनी ने वर्ष 2018 में एक बच्ची को गोद लिया। इसके बाद सेरोगेसी से 2 जुड़वे बच्चे को मां बनी। जय हिंद, जय भारत।